और बहनों, 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते, वो कहां से आते थे, कौन उनको भेजता था, ये तब की सरकार को भी पता था। लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे, एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भक्ति से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भक्ति से नहीं डरता। नया हिंदुस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए आतंक के आशाओं को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार बैठा। लेकिन साथियों, मजबूत होते भारत से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा। जब भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन रहा है तो दीदी को ये भी परेशान करता है। जब भारत आतंक पर शक्ति दिखाता है तब दीदी को इससे भी मुसीबत होती है। अब दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के रहते हुए कोई मोदी को हटा सकता है क्या? इतनी माताएं बहने, देश की माताएं बहने जिस मोदी का सुरक्षा कवच बन के खड़ी हो, इस मोदी को कोई हटा सकता है क्या? जिस देश के कोटि कोटि नौजवान जान को हथेली में लेकर के ये अत्याचारियों के खिलाफ लड़ रहे हो, क्या ऐसे मोदी को कोई हटा सकता है क्या? साथियों, मां माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तोड़ तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है। आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है, उसका जीवन मुश्किल में डाल दिया। भाई और बहनों, दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या भारत में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए? एक हिंदुस्तान में, एक जम्मू कश्मीर में, ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? अरे दीदी, ये आपके साथ ही चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि भारत के दो प्रधानमंत्री होने चाहिए। देशवासियों को पता होना चाहिए, बंगाल की धरती को पुनः स्मरण होना चाहिए। इसी बंगाल की धरती का एक सपूत, इसी बंगाल की धरती का एक लाल, जिसने एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती। देश की एकता अखंडता के लिए ये दोनों प्रधान के सपनों को शुरू करने का काम ये बंगाल की धरती के वीर बेटे।
बेटे ने किया था और दीदी आप उनके साथ बैठी हो, ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है, ये देश के बलिदान का अपमान है कि नहीं है, 20 शहीदों का अपमान है कि नहीं है। दीदी ने मोदी विरोध में अपने ऐसे साथियों पर भी चुप्पी साधी, भले ही देश में अराजकता क्यों न फैल जाए, भले ही हंगामा क्यों न खड़ा हो जाए, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता।